आपको भाई क्या नाम है आपका? दीपक सोनपाटी। दीपक भाई क्या तकलीफ है आपको? एक हाथ पर पैरालाइज। एक साइड का? अच्छा अच्छा और कौन कौन है घर में? मम्मी पापा, मम्मी पापा है, मैं ससुराल से आई हूँ। अच्छा मैंने आपको कॉल किया था। अच्छा आपने कॉल किया था, कोई बात नहीं। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी काम पे गई हैं अभी। क्या काम करती हैं? बर्तन ऐसा करती हैं, दो तीन बर्तन सफाई वगैरह करती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। घर ये भाड़े का है? भाड़े। कितना भाड़ा है? 1500 रुपये भाड़ा है। चल लेते हो थोड़ा थोड़ा? अच्छा अच्छा बस इधर का भाग काम नहीं करता है। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्ते जी, मेरा नाम तरुण मिश्रा है और हम लोग एक फाउंडेशन चलाते हैं, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन, जिसमें हम लोग जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। तो आपका फ़ोन आया था आपकी लड़की का कि ऐसे ऐसे हमारे पापा हैं और पैरालाइज्ड हो गए हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो हम लोग आपसे बातचीत करने आए हैं। तो आपका क्या नाम है? छायाबेन। छायाबेन हाँ। और आपका क्या नाम है भाई? दीपक भाई। दीपक भाई, तो आपको ये तकलीफ कब से है ऐसा? 3 महीने हो गए। 3 महीना हो गया, किस तरह से, क्या हुआ था? अचानक सुबह में गिर गया, अचानक झटका जैसे एकदम अचानक गिर गया मैं। गिरा तो पैर जैसे हो गया। तो आपने कहीं दिखवाया डॉक्टर को? डॉक्टर को 108 में। अच्छा हाँ, 108 में लेके गए थे। इधर हमको 8-9 दिन रखा, दवाई चालू ही है, दवाई बोले पिलाने का, 15-15 दिन में दिखाने आने का बस। और हाथ का तो कुछ बोला ही नहीं है कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अच्छा अच्छा हाँ, हाथ का तो नहीं बोल दिया है। तो पहले भाई क्या काम करते थे? ये 10 माल की बिल्डिंग आती है, 5 माल की बिल्डिंग आती है, उस पर चढ़ते हैं और बांबू बांधते हैं। अच्छा बांबू बांधते थे? हाँ बांबू बांधते थे, पालक बोलते ना वही। पहले आप अच्छा था आपका, कितना कमा लेते थे पहले? ये 500 रुपया कमा लेते थे और मैं भी, मेरा काम भी अच्छा था, लेकिन अभी इनकी संभालने में मैं 12 बजे 1 बजे ऐसे काम पे जाती हूँ, मेरा खाली 3000 का काम है। अच्छा क्या काम करते हो आप? मैं घर काम करती हूँ। घर का काम करते हैं हाँ। तो काफी तकलीफ होती होगी हाँ, परिवार में। छोड़ दिया क्योंकि इनको भी संभालना पड़ता है, टाइम पे दवाई पिलानी पड़ती है, नहलाना पड़ता है सुबह, इसके लिए मेरे सब सुबह के काम थे वो छोड़ गए, इसके लिए मैं 1 बजे ही जाती हूँ। आपका कोई लड़का नहीं है? नहीं लड़का नहीं है, खाली एक ही लड़की है। और मेरे को कैंसर की गांठ हो गई थी मासिक के ठेली में। अच्छा तो ठेली निकाल दी, फिर बच्चा नहीं हुआ आपको? हाँ। लड़की की शादी कर दी आपने? हाँ फिर शादी कर दी। चलिए कोई बात नहीं, तो ये जो रूम है इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ ये भाड़े का घर है। अच्छा 1500 रुपया भाड़ा है और 200 रुपया लाइट बिल। चलिए कब से हैं आप लोग सूरत के अंदर? सूरत में तो बहुत सालों से, वो तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सालों से शुरू से यहीं पे हाँ, रहते हैं। हाँ शुरू से इधर ही है, माँ बाप भी इधर के ही थे। अच्छा अच्छा तो अभी ये भाई का जैसा रहता है तो पूरे दिन बेड पे ही आराम करना होता है? हाँ, और इसके ऊपर ही बैठ के नहला सकती हूँ। अच्छा करके इस पे ही बिठा के आप नहलाते हो धुलाते हो सारा हाँ, चीज करते हो हाँ। तो जैसे अभी कोई काम रोजगार हो तो वो कर पाएंगे? नहीं ऐसे एक हाथ का तो ये हाथ वाला काम कर लेता, ये नहीं करता है काम, ये हाथ काम कर लेता है। अच्छा हाँ, लेकिन अभी चलने का तो मुश्किल ही है क्योंकि एक जन चाहिए उसको पकड़ने वाला, और ऐसे ये लाठी थी, वो लाठी से वो चल पाते। अच्छा अभी अभी चलने लग गए, थोड़ा थोड़ा चलते हाँ। डॉक्टर बोला पैर तो आ जाएगा लेकिन हाथ की तो हम गारंटी नहीं देती। ऐसा बोले। ट्रीटमेंट अभी चल रहा है इनका? चल रहा है। तो आप लोगों को घर चलाने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मेरा पगार महीने में एक बार आती है, लड़की है मेरी, वो मेरे को 150 दे पाती है, ज्यादा दे नहीं पाती, वो भी उसका परिवार लेके बैठी है।
नहीं नहीं समझ सकता हूँ मैं बहन। और कहते हैं कि अगर आप डेली मजदूरी का काम करते हो तो उसी में से जो आता है वो खर्च हो जाता है और अपने जरूरत चलती है। आता है महीने में एक बार, उससे मैं घर चला लेती हूँ, जैसे भाड़ा भर लेती हूँ, लाइट भी भरती है, जो बचता है वो राशन लेके आ जाती हूँ। और ये दवाई लेने जाने का है तो सिविल में जाने का तो ऑटो भाड़ा भी मांग के लेके जाना पड़ता है, तो कुछ बचता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसीलिए आए, हमने देखा आपका दुख और हमें फ़ोन भी आया था, आपका वीडियो आया, हमने देखा, हमें ऐसा लगा कि नहीं आप लोगों की मदद की ज़रूरत है और हमें आना चाहिए और कुछ मदद करना चाहिए। और पहले भाई जब इनका शरीर साथ देता था तो ये बिल्कुल अपनी मेहनत करते थे, जो आप कहते कि घर बांध काम या जो भी काम करते थे तो कर रहे थे, लेकिन अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इनकी भी मजबूरी है कि ये कुछ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए सारा लोड आपके ऊपर आ गया है बहन, है ना। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या है कि घर के आगे ही ये कुछ कर सके और इनका कुछ आवक चालू हो जाए, है ना, तो आपको थोड़ा सहारा मिलेगा। क्योंकि इनका अब ये कब तक ठीक होगा, आप ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक, लेकिन तब तक तो आपके परिवार को एक ज़रूरत होगी हर चीज़ों की, है ना, इनके दवाई की, ले जाना लाना, आपको खाना पीना सब चीज़। तो हम लोग कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं जिससे कि आपके घर के आगे ही आपका रोजगारी चले और आप उसमें ही आगे कर पाओ और अच्छी खासी आपका सोसाइटी भी, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, भीड़ भाड़ है, तो आपकी दुकान यहाँ पे चल सकती है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको एक सेटअप बना के देंगे, ठीक है। और जब से कोरोना शुरू में तो सबको ही तकलीफ हो गई है, अभी तो सबका ही ये हो रहा है, जो किसी को बोल भी नहीं पाते मदद करने के लिए। नहीं नहीं सही बात है, चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर होता है, जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है, भगवान कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए ज़रूर ढूंढ देता है, है ना। और दुख तो कहते हैं ज़िंदगी में आता रहता है और हमें उस दुख में उसका सामना करना पड़ता है और आगे मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। आज मान लीजिए भाई के साथ ऐसा हुआ, इनका पैरालिसिस हुआ, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन वो भी अपने परिवार को चला रहे हैं और आगे हिम्मत रखते हैं। तो आपको भी भाई हिम्मत नहीं हारना है और ये आपका ठीक भी हो जाएगा। आप ऐसा होने से आदमी पूरा टूट जाता है, किसी को होना भी नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता है ना तो बहुत टूट जाता आदमी, कुछ परिवार का भी नहीं समझ में आता कि अभी कैसे होगा। पहले आप थोड़ा घूमते थे, जाते आते होंगे बाहर सारा, अब एकदम से लगता होगा कि पूरे दिन मैं बेड पे हूँ, अपने आप में भी एक डिप्रेशन जैसा भी हो जाता है कि हम कैसे पूरे दिन ऐसे रहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें अंदर में ख्याल आते रहते हैं, बैठे बैठे सोच में ही रहता है आदमी। दुकान तैयार है, आ जाइए, पूजा वगैरह कर लो, है ना, आ जाओ। गणपति बाप्पा।
जैसा हमने कहा था कि आपके रोजगार के लिए हम आपको एक साधन करके देते हैं कि आपके घर के आगे ही आप कुछ कमा सकते हो और आपका परिवार आगे चले, तो ये अभी तैयार हो गया है, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, और जो आपने करके दिया ना वो किसी ने हमको करके नहीं दिया, और जैसा आपने हमारी सेवा की आप ऐसे दूसरों की भी सेवा कर पाए, बस हम यही चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद रहा, तो हम लोग इसीलिए काम करते हैं कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी कुछ मदद कर सके, ताकि उनके आशीर्वाद से हम और भी लोगों की मदद कर पाएँ, ठीक है? तो बस ऐसा दुआ कीजिए कि हमारा फाउंडेशन, हमारी टीम आगे बढ़ती रहे और लोगों तक पहुँचे, ठीक है? और ये जो दुकान है आपको, ये साई राम फैमिली है उनकी तरफ से, और मनी बेन माधव भाई के मेमोरी में आपको दिया गया है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, तो उनके परिवार वालों ने उनके याद में और उनको आत्मा को शांति मिले इसके लिए आपको ये दुकान दान किया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों की वजह से ही हम आपकी मदद करना कर पाते हैं, है ना भाई? चलिए सर, थैंक यू सर। चलिए कोई आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला, आखा दिन घूमे हमारे। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमारा एक दिन निकालने से आपका अच्छा हो जाता है और आपका आने वाला समय अच्छा हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपने थोड़ा कर इतना करके दिया है, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी जी, इसको आपको मेहनत करना है, हाँ। और इसमें और भी सामान डाल के, और इसमें और आपको क्या इस एरिया के हिसाब से चलता है, हाँ। वो चीज़ आपको ला के और आगे बिजनेस को बढ़ाना, हाँ। है, क्योंकि हम लोग एक जनरल सामान देते हैं, फिर हर एरिया में कोई चीज़ चलती है कोई चीज़ नहीं चलती, हाँ। है, तो जो आपके एरिया में सेल होता है आप धीरे धीरे इसी सामान को बेचें और नया सामान इसमें ला के डालें, है ना? अब आपको कहीं जाके ऐसे कुछ घर का काम भी नहीं करें तो चलेगा, आप इस दुकान में सामान लगाएं, ये दुकान भी आपकी बड़ी है, जो हम दुकान देते हैं उससे ज़्यादा बड़ी दुकान है, अब हमको किसी के पास हाथ खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए, और एकदम बहुत जल्दी आपको ईश्वर ठीक भी कर देगा, है ना? इस दुकान में मेहनत करिए, यहाँ आपको बैठे रहना है आराम से, और थोड़ा थोड़ा सामान बेचते रहिए, आपकी लड़की है, आपकी वाइफ है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, माल सामान खत्म होगा तो ला के देंगी, है ना? और आपका थोड़ा मन भी लगा रहेगा, लोगों से देखते रहोगे, बातचीत करते रहोगे आप, तो ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ और आते रहूँगा, मैं देखते रहूँगा कि दुकान कैसे चल रहा है और किस तरह से आगे हो रहा है, ठीक है? ओके सर, आते रहिए। चलिए।